मैंने सोचा था कि यार पंचायत वेब सीरीज का जैसे ही थर्ड सीजन आएगा उसको उसी टाइम देखकर इसका तुरंत रिव्यू कर दूंगा। हालांकि मैंने इस सीरीज को उसी दिन देख लिया था जिस दिन ये सीरीज जो है वो रिलीज हुई थी, लेकिन इसका रिव्यू नहीं कर पाया, जबकि मैंने इसके बारे में सारी चीजें लिख ली थी कि भाई इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है और इसके अंदर मुझे क्या क्या बातें करनी है, लेकिन टाइम नहीं मिला। होता है ना कि यार हमारी लाइफ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं चलती है। खैर, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंचायत वेब सीरीज के थर्ड सीजन की, जिसके अंदर 8 एपिसोड है, और इसके पहले और लास्ट एपिसोड की बात करूं जिसकी लेंथ है वो 1 घंटे आसपास है, बाकी जो 6 एपिसोड बच गए वो 30 से 40 मिनट के आसपास दिखाए गए। जैसा इसके 2 सीजन में हमें देखने को मिल रहा था, ऑब्वियसली जो कहानी हमारे सामने बिल्डअप हुई थी, थर्ड सीजन का जो इंतजार हमारे सामने बन रहा था कि भाई साहब इसका थर्ड सीजन आए और हम इसके अंदर देखें कि कहानी को कैसे आगे बढ़ाया गया है। देखो, अगर आपने इसके पहले वाले 2 सीजन नहीं देखे हैं तो जाकर पहले दोनों सीजन कंप्लीट करो, तब ये थर्ड सीजन देखना। और सेकंड सीजन के अंदर आपने देखा था कि सचिव जी का ट्रांसफर हो जाता है, वहीं से इसकी कहानी को आगे बढ़ाया गया है थर्ड सीजन के अंदर। मतलब सचिव जी का ट्रांसफर कैसे रुकवाया जाए, उसको उनको वापस कैसे लाया जाए फुलेरा गांव के अंदर, ये सारी रणनीति बनती हुई हमें दिखती है थर्ड सीजन के अंदर। इसके अलावा सचिव जी और रिंकी के बीच में जो प्यार का एक कनेक्शन बन रहा था, या फिर उनके बीच में जो अटेंशन बन रही थी, अट्रैक्शन जो बन रही थी, वो बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से चल रही थी। पिछले 2 सीजन की बात कर रहा हूं, एक कछुए की चाल से चल रहे थे उनके जो अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ही धीमी स्पीड से चल रहा था। लेकिन इस बार थर्ड सीजन में भाई साहब पूरा फोकस किया गया है, उनकी जो लव स्टोरी है उसको थोड़ा स्पीड दिया गया है। इसके अलावा पंचायत का इलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है इसके थर्ड सीजन के अंदर, जहां पे भूषण जी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने पे लगे हुए हैं, प्रधान जी अपनी प्रधानगिरी बचाने में लगे हुए हैं। तो देखो यार, ये कैसे हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब तो देखो आप ये तभी मिलेंगे जब आप इस सीरीज को देखोगे। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सीरीज देख भी ली होगी जब तक मैं रिव्यू कर रहा हूं, क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर उन्होंने अपने रिव्यू भी कर चुके हैं। मेरा तो फर्ज बनता था कि मैं भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसके बारे में लिख चुका था, और चैनल को भी जिंदा रखना था, थोड़े बहुत चिल्लर भी कमाने थे। तो अब बात करें कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। सबसे पहले अच्छी बातों की बात करें तो देखो इस सीरीज के अंदर जितने भी कलाकार हैं उन्होंने मतलब बहुत उम्दा लेवल का काम किया, मतलब हैट्स ऑफ उनके काम को, जितनी ईमानदारी से उन्होंने इस काम को किया, और पूरी सीरीज में आपका इंटरेस्ट बना रहता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपका इंटरेस्ट यहां ब्रेक हुआ है, और इस कदर इंटरेस्ट बनता है कि आप एक बार इस सीरीज को देखने बैठोगे या फिर एक बार इसने आपने इसका सीजन स्टार्ट कर दिया थर्ड सीजन, तो आप इसके शुरू से लेकर आखिर तक सारे एपिसोड देख ही डालोगे। मैंने खुद इसका एक बार पहला मतलब कि जो इसका थर्ड सीजन का फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू किया, इसके लगातार मैंने 8 एपिसोड देख के खत्म कर लिए थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे रिव्यू करना था, हाँ वो भी एक फैक्टर था, वो सेकंड फैक्टर था, लेकिन फर्स्ट फैक्टर ये था कि मुझे इसके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट बन गया था। जो इस सीरीज के अंदर डायलॉग है वो वाकई में कमाल के, और वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी राइटर साहब की, जिन्होंने इतने बढ़िया डायलॉग हमारे सामने लिखे हैं, जो इतने बड़े मतलब इतने अच्छे से कॉमेडी से भरपूर है। ऑब्वियसली इस सीरीज की जान है कॉमेडी, जिस तरीके की हाजिर जवाबी है, जिस तरीके की इसके अंदर कहानी लिखी गई है वो कमाल की है। इसके अलावा सीरीज में इमोशनल एंगल भी है, काफी सारे इमोशनल एंगल है, लेकिन जो मुझे पसंद आया है पर्टिकुलरली वो है दादी पोते का एक इमोशनल एंगल आता है, जिस तरीके के उनके बीच में एक प्यार जो दिखाया जाता है, घर को लेकर एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिखाया गया। फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे और मुझे गालियां सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन जो दादी पोते का सीन इसके अंदर आता है वो वाकई में बहुत बढ़िया है। एक इमोशनल एंगल जो है वो वाकई में इमोशनल आपको कर देता है, मुझे बहुत ज्यादा वो पसंद आया। और आपने फर्स्ट सीजन में एक करेक्टर को देखा होगा जिसमें आपने सुना भी होगा, जिसके काफी सारे मीम भी बने हैं, जैसे मतलब गजब बेइज्जती है यार, उस करेक्टर को भी वापस इस सीरीज के अंदर, इस थर्ड सीजन के अंदर वापस लाया गया, जिसका काफी ज्यादा एक बढ़िया रोल रहता है इस थर्ड सीजन के अंदर। और एमएलए को लेकर जो लड़ाई हमारे सामने नजर आई थी सेकंड सीजन के अंदर, वो भी सीरीज के अंदर मतलब इस थर्ड सीजन के अंदर कंटिन्यू रखा गया। और इसमें कैसे जो गांव वाले लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर जो एमएलए को जवाब देते हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक बार जो फिर से मैं कहूंगा कि जो पी रिंकी है और सचिव जी का जो प्यार की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाया गया, वो भी देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गई इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें। तो इस सीरीज में क्या कमियां हैं अगर उसके बारे में बात करें तो देखो यार, इस सीरीज को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड था इसके थर्ड सीजन को लेकर, क्योंकि दोनों सीजन इतने बढ़िया गए थे, उनके अंदर अब कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा थर्ड सीजन के अंदर, ऑब्वियसली उसका वेट था। तो जिस एक्साइटमेंट के साथ मैंने इस थर्ड सीजन को देखा तो मेरा कहीं पर भी कोई कमी की तरफ ध्यान नहीं गया। हाँ, एक जो कमी मुझे लगी कि यार आपने इसके जो एपिसोड है वो 30-40 के मिनट के रखे, यार वो थोड़ी लेंथ तो उनकी बढ़ानी चाहिए थी ना। तो मुझे तो देखो इसके अंदर कोई ज्यादा कमी लगी नहीं, और इसके थर्ड सीजन की भाई साहब एंडिंग इस मोड पे की गई है यार, आपको फिर से इसके फोर्थ सीजन का इंतजार रहेगा। तो मेरी तरफ से तो इस यानी पंचायत वेब सीरीज के थर्ड सीजन को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि कैसी लगी, अगर नहीं देखे तो यार जाकर देखो, किस चीज का वेट कर रहे हो, पसीने से लथपथ हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।